जेंसन और डर्मा क्लियर वाला रिजल्ट मिलेगा आपको इस फेशियल से। इस फेशियल से दो तरीके के फेशियल हो सकते हैं, एक तो बेसिक फेशियल और दूसरा जिन लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे और छाइयाँ हैं लोगों के लिए इसके अंदर एक अलग से स्टेप है, वो स्टेप सिर्फ वही लोग फॉलो कर सकते हैं। सो वो कौन सी फेशियल किट है चलिए देखते हैं। मैं इसको साइबर क्राइम बोलती हूँ साइबर व्हाइट सीरम। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है ना। आज की वीडियो है डर्मा आईजी फेशियल किट पर। इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस क्या है, कहाँ से बाय करें, अच्छा है या नहीं अच्छा, कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं, किस एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब, सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन आज की वीडियो में शेयर किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस फेशियल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये दो स्किन टाइप्स पे हो सकता है। एक तो ये कि जिस तरह से हमारी स्किन है, या तो हम लोग इसको एज अ वाइटनिंग फेशियल, एज अ बेसिक फेशियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इशू है, ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसको किस तरह से स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं, एक स्टेप इसमें ऐसा है जो कि हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, वो लोग फॉलो करेंगे जिनको दाग धब्बे और छाइयों का इशू। साइबर वाइट हाईली कंसनट्रेटेड है, PHA AHA, ठीक है। स्टार्ट में ही बता रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ दाग धब्बे और छाइयों वाली स्किन के लिए है। अगर हम जैसे लोगों ने यूज़ किया और नुकसान हो गया तो इसमें हमारा और या कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर है तकरीबन, बेसिक फेशियल के अंदर है 6 प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर 4 ट्यूब्स हैं और 2 जो हैं पंप बॉटल्स हैं। एक ट्यूब की क्वांटिटी है 200 ml, पैकेजिंग है ये आपको 300 ml में मिल जाएगी। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको AHA और PHA मिलेगा। AHA एंड PHA ऑलमोस्ट सिमिलर विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। AHA मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये एनिमल और प्लांट से हासिल किया जाता है। इसके 7 टाइप्स होते हैं, लाइक मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड ETC। ये हमारी स्किन को फाइन लाइंस दूर करेगा, हमारी स्किन को पील करेगा, हमारी स्किन के जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करेगा, एंटी एजिंग का काम करेगा। इसके अलावा सन डैमेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। एडवांस वाइटनिंग ट्रीटमेंट फेशियल, जिसके अंदर ये भी ऐड होगा साइबर वाइट सीरम। इस तरह से योजेंगे 7 प्रोडक्ट्स का ट्रीटमेंट। इस तरह से आप लोगों ने करना है। सबसे पहले इसके साथ इसका ब्रोशर भी मिलेगा, जिसमें इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करना है, सारी यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं। पहले हम बेसिक फेशियल से स्टार्ट करते हैं। मेकअप वगैरह कुछ भी है, कोई मसला नहीं, कुछ भी साफ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हमें चाहिए ये है वाइटनिंग क्लेंजर, वाइटनिंग सोल्यूशन। इसमें भी AHA PHA है। पंप बॉटल में आपको 300 ml की पैकेजिंग मिलेगी। ओपन और क्लोज हो जाता है, ठीक है। इस फेशियल की खास बात यह है कि इसमें जितना कम पानी यूज करेंगे इसके रिजल्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर और ऑब्वियस होंगे। जिस तरह से नॉर्मल फेस वॉश से हम फेस वॉश करते हैं उस तरह से नहीं करना। हम उसमें तो सिर्फ 1 मिनट में करके फारिग हो जाते हैं ना, इसमें हमने अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक अपना फेस जो है, अपनी शक्ल जो है वो साफ करनी है। इसका ये क्लींजिंग यूज करेंगे ना, उसी से ही आपकी स्किन इतनी नीट और इतनी क्लीन आपको फील होगी। आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो फेशियल करने लगे हैं वो कितना आला है। अब हमने लेना है एक कॉटन पैड। अगर आपके पास कॉटन पैड अवेलेबल नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सिंपली हाथ में ले लेना है। ये दूसरा स्टेप है हमारा डर्मा IG का ये टोनर। ये दिस इज़ वाइटनिंग सोल्यूशन जो कि टोनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी खुशबू बहुत ही फ्लोरल है, ग्रीन कलर का है, पम्प बॉटल में मिलेगा। करते हैं ये लोग कि ये वाइटनिंग देता है, इसके अलावा पोर्स को मिनिमाइज कर देगा, पोर्स को क्लीन कर देगा। कॉटन पैड नहीं है, रुई के ऊपर लगा लें। रुई नहीं है तो आप लोग अपने हाथ पे ही लेके इसको अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। टिश्यू पेपर पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि टिश्यू पेपर पे बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी यूज़ होती है टोनर की। जब आप टिश्यू पेपर के ऊपर लगाते हैं तो टिश्यू पेपर सारा सोक कर लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टोनर। ये टोनर रेडिएंट एंड ब्राइटनिंग टोनर है। इस टोनर को आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। एक तो ये कि आपकी स्किन को एक रेडिएंट ग्लो देगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा, पोर्स को क्लीन भी करेगा और इसके अलावा आपके स्किन के pH लेवल को बैलेंस करेगा। टोनर का ये काम होता है और ये टोनर इस काम पर पूरा उतरता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमने लेनी है परफेक्ट वाइटनिंग क्रीम। इस फेशियल को करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, स्टेप्स बिल्कुल डिफरेंट है। परफेक्ट वाइट क्रीम, इस फेशियल का मेन स्टेप है, इसको आपने लगा के रिमूव नहीं करना ना। तो थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है, जिस तरह से आप ब्यूटी क्रीम्स लगाते हैं अपने फेस पे उसी तरह से आपने ये लेनी है। मैंने फर्स्ट टाइम में इतनी ज़्यादा ले ली थी और मैं चिट्टी भूत बन गई थी। इस तरह से आप इसको लें, 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे इसकी मसाज करें हल्के हाथों से, इंसानों की तरह, क्योंकि चेहरा आपका है। अगर तो आप किसी पे कर रहे हैं और वो आपका दुश्मन है तो आप धड़ाधड़ लगा सकते हैं उसको। पिछली दुश्मनियां पूरी निकाल लें। 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी लगातार मसाज करनी है अपने फेस पे, ताकि ये डीपली पेनिट्रेट हो जाए हमारी स्किन के अंदर, क्योंकि इसको हमने रिमूव नहीं करना, ना ही पानी से, ना ही टिश्यू से, ना ही किसी स्पंज से। ओके, सो ये हो गई मेरा थर्ड। चाहिए होता है ऑब्वियसली स्क्रब। परफेक्ट वाइटनिंग क्रीम लगाने के बाद आपने साफ़ नहीं करना, उसी के ऊपर आपने स्क्रब लगा लेना है। एक तो डेड सेल्स रिमूव करेगा, आपकी स्किन को वाइब्रेंट बनाएगा, आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करेगा। थोड़ा सा लें, मैं बहुत खुश थी कि आज ना मौसम अच्छा है, आपसे वीडियो शूट हो गई और लाइट ही चली गई है। स्क्रबिंग आप लोगों ने करनी है 3 से 5 मिनट, अच्छी तरह से अपने फेस पे करें, हल्के हाथों से करें। और अब आपने स्पंज लेना है या अपना चेहरा ऐसे ही धोएं। हल्का सा गर्म पानी होगा तो ज़्यादा बेटर है, इससे ये होता है कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और जितनी भी गंदगी वगैरह होती है हमारी स्किन के ऊपर वो ज़रा सॉफ्ट हो जाती है। अगर तो ल्यूक वॉर्म वाटर ले लें या गर्म टॉवल ले लें, लेकिन मैं बड़ी ढीठ हूँ, मैं सादे पानी से धो रही हूँ। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह से साफ करना है, बहुत ही अच्छी तरह से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ऑसम होने वाला है, उस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। चाहे आपकी स्किन के ऊपर निशानात हैं या नहीं हैं, सभी स्किन टाइप्स वाले उसको फॉलो करेंगे। ये है हॉट टॉवल, यानी कि पानी हल्का सा गर्म करके मैंने उसमें टॉवल भिगो लिया। मैंने तो बहुत बड़ा टॉवल भिगो लिया, आपने फेस टॉवल ही भिगोना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अपने फेस को इससे आपने कवर कर देना है और मेक श्योर जो आपका एरिया ना ब्लैक हेड्स वाला वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। जिन एरिया पे ब्लैक हेड्स का इशू है वहाँ पे आप इस हॉट टॉवल को लपेट लें। इसकी स्टीम से आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम जो स्टेप करेंगे उसको करने में आसानी होगी और तमाम जो हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ हैं वो साफ़ हो जाएंगी। तो हमने स्टीम ले ली, अब हमें ज़रूरत है एक ब्लैक हेड पिन की, जो कि इस तरह से होती है। आप लोग देखें यहाँ पे इसका एक सुराख होता है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ये अगर बहुत ढीठ किस्म का ब्लैक हेड है ना आपके, तो उधर इसको अंदर चुबो देते हैं। अच्छा, इस एरिया से आपने अपने ब्लैक हेड साफ़ करने हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है आपको इशू है ब्लैक हेड्स का, वाइट हेड्स का, इस तरह आप करें। मैंने क्योंकि कुछ दिन पहले रिमूव किए थे इसलिए मेरे नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ स्टेप करके दिखा रही हूँ। और अगर तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं तो आपने इस तरह से पकड़ना है। मेरे नहीं है। स्टीम लेने से आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि पिन पे इजीली आ जाते हैं। हॉट टॉवल था, उससे आपने एक दफ़ा इसको ऐसे क्लीन कर लेना है, ताकि जो आपकी स्किन पे से इम्प्योरिटीज़ निकली है, जो गंदगी निकली है, वो साफ़ हो जाए। हो गया साफ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम। इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। मसाज क्रीम आप लोगों की स्किन के अंदर उसको डीपली पेनिट्रेट कर देगी और ये मसाज क्रीम जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करेगी, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी। तो थोड़ी सी अमाउंट लें और इस तरह। मसाज क्रीम 5 से 7 मिनट भी होती है, 7 से 15 मिनट भी होती है। मसाज आपने इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ऐसे आपकी स्किन के ऊपर जो भी फाइन लाइंस और झुर्रियाँ एक तो वो ख़त्म हो जाएंगी, स्किन टाइट होगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। इतने ही अमल में मेरी स्किन देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई है। अब जो स्टेप मैं करने लगी वो स्टेप सिर्फ दाग धब्बे और छाइयों वाले करेंगे, नॉर्मल स्किन वाले नहीं करेंगे। ये है साइबर वाइट सीरम, 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपके पूरे फेस पे दाग धब्बे हैं छाइयाँ हैं तो आप 5 से 6 ड्रॉप्स लेंगे, उसको हाथ पे मल के पूरे फेस पे लगा दें, 5 मिनट तक लगा रहने दें, इसको साफ़ नहीं करना। साथ ही आपने इसके ऊपर ही लगा लेना है वाइट प्रोटेक्टिव मास्क और इस मास्क को आपने अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करना है। ना ज़्यादा मोटी लेयर लगाएं ना ज़्यादा पतली लेयर लगाएं, नॉर्मल लेयर लगा के 20 मिनट तक लगा रहने दें। 20 मिनट बाद हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है और मुंह धो लेना है। लास्ट स्टेप है हमारा परफेक्ट वाइटनिंग क्रीम, ये लाजमी आपने करना है। इससे ये होगा हमारे फेशियल का रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा। हम लोग अगर धूप में जाएंगे, चूल्हे के आगे जाएंगे तो हमें सन डैमेज और हीट से भी ये प्रोटेक्ट करेगी क्रीम। आपको लास्ट में बता दूं कि जो साइबर वाइट सीरम है ये मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए अप्लाई करके दिखाया है कि जिन लोगों को फ्रैकल्स वगैरह हैं सिर्फ उन लोगों ने ये स्टेप फॉलो करना है, हम लोगों ने ये स्टेप फॉलो नहीं करना, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एंड लेवल के हैं, सैलून यूज़ के लिए हैं। आप लोग इसकी जो प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग बाय कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे रेफरेंस पे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है सैलून के घर के यूज़ के लिए। और एक बार फेशियल करने से आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आप लोगों के दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों को इसकी सीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, जितनी सीटिंग्स आप लोग लेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पानी आपने बहुत कम यूज़ करना है, फेशियल करते हुए जितना कम पानी फेस पे यूज़ करेंगे उतने रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन माशाल्लाह से कितनी ग्लो कर रही है। हाईली रिकमेंडेड यू गाइज, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।